नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। घर के पास ही खेत पर सो रहे युवक की गला काट कर दी हत्या। राधोगढ़ थाना अंतर्गत जंजारी चौकी के प्रेमनगर कांजीपुर में एक 18 वर्षीय युवक की लाश मिली, जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसे साफ नजर आ रहा था कि उसकी हत्या की गई है। युवक घर के पास ही अपने खेत पर लहसुन की फसल की रखवाली करने के लिए वहीं पर सो रहा था। सुबह जब उसके परिजनों ने देखा तो उसकी लाश मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की लाश को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। आरोन में कलेक्टर एवं गृह सचिव ने किया समर्थन मूल्य केंद्रों का निरीक्षण। कई दिनों से समर्थन मूल्य की योजना में गड़बड़ी की खबरें प्रसारित की जा रही थी। इसके बाद कलेक्टर विजय दत्ता एवं गृह सचिव ने शुक्रवार को मंडी का निरीक्षण किया। कलेक्टर विजय दत्ता ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर खरीदी केंद्रों का जायजा भी लिया। इस दौरान किसानों ने भी कई तरह की शिकायतें कलेक्टर से की। हालांकि कलेक्टर ने सभी को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का जल्दी निराकरण किया जाएगा। पच्चीस मई किया है कि आज भी देखो 9 बजे से लगता है कि बारिश अगले 8-10 दिन में आने वाली है। बारिश आ गई पड़ा हुआ सर, 40 से ज्यादा नहीं चल रहा है, इसका क्या होगा? 60 बीघा जमीन है, 40 क्विंटल चना चल रहा है, इसका क्या होगा? वेरीफाइड होगा ना, सत्यापित दिखता होगा, चालीस से ज्यादा नहीं चल रहा है। हाँ सर, मैसेज जमाए 2 तारीख तक, 25 तक खुलवाओगे तो आपको अभी बताया वो बदल के करवाएंगे सर। देखो मैसेज जब अपन ने 5 तारीख का, 2 तारीख का दिया था, उस समय ये था कि बारिश जो है उनके पहले हफ्ते में आएगी। अभी जो मालूम चला है मौसम का हाल देखो, बारिश जल्दी आने वाली है, इसीलिए मैसेज बदल के आपके पास भेज रहे हैं। अब अपने को जल्दी आना, अभी और कांटे भी बढ़ जाएंगे, तो हजूर 3,000 कानून अलग अलग जमा करेंगे बैंक में। जहाँ अभी तो बताओ 3 अकाउंट खोलेंगे, 1,000 तो क्या नहीं अकाउंट खोलने नहीं है, क्या गुफा हो? नहीं तो ये बताओ जो जॉइंट में 3 लोगों का पंजीयन हुआ है, पंजीयन एक के नाम हुआ है, मतलब एक तो उस एक के नाम से खरीदे, मतलब जमीन शामिल है ना, समझ लो 3 लोगों की जमीन शामिल है, पंजीयन एक के नाम से हुआ, एक के नाम से सोल जिसके नाम पे पंजीयन हुआ उसी के नाम पे तीनों की जमीन का रकबा एक साथ हुआ होगा, तो उस एक आदमी के थ्रू आपके लिए वो तो करवा रहा हूँ। वो क्या कंप्यूटर में क्यों डाल रहे हो? नहीं कंप्यूटर में तीन बार अलग अलग नहीं करते, एक ही बार करते हैं। तीन हम तीन आई हैं, अलग अलग जमीन है, तो कंप्यूटर पे अलग अलग पंजीयन होगा, अकाउंट एक ही चढ़ रहा हो, तो वो कंप्यूटर पे चढ़ा दे, वो डुप्लीकेट वापस कर देते हैं। तो वो जोन का ही खाता है ना सब, अलग अकाउंट तो होगा सबके पास, वो ही तो नहीं है, वो ही लफड़ा होगा। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। एक ऐसा गांव जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहने को है मजबूर।
हम बात कर रहे हैं कोटरा गांव की, जहां सड़कों के अभाव में लोगों को चलना मुश्किल है। मूलभूत सुविधा यानी कि सड़क, पानी एवं बिजली की परेशानी भी गांव के लोगों को है। गांव के चारों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है। गांव की सड़कें खस्ता हाल है। गर्मी के दिनों में ही यहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बरसातों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि गांव के बच्चे कीचड़ से होकर पढ़ने जाने को मजबूर होते हैं। अच्छा जाइए आलेगी बोलो आले गंदगी मिटनो चाहिए, पूरे गांव की खड़ंजा होना चाहिए। सरपंच कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुने साहब। अभी तक हमारा ग्रामीण आजाद नहीं हुआ, जब से देश आजाद हुआ, जब से हमारा गाँव आजाद नहीं हुआ। और मेन समस्या तो हमारी मतलब सड़क की है। गांव में इतना कच्चा मतलब पानी बरसते वर्षा होती है, उससे मतलब मट्टी जैसी हो जाती है, उससे मचते हैं मचता है, उससे बाल बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं। और गांव में बरसात में नहीं। दूसरी बात ये है कि गांव के घरों में से पानी निकल रहा है, वो एक गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। सड़क नहीं है, खड़ंजा नहीं है, उसके कारण उससे वो नाली से कीटाणु पैदा होते हैं, और कीटाणु के पैदा होने से हैजा आदि बीमारी आने की संभावना है, जिससे मतलब ग्रामीण के बच्चे और सभी ग्रामीण अस्वस्थ हैं। बीमारी हैजा आ सकती है और कई समस्याएं। गांव में सबसे ज़्यादा समस्या है खड़ंजा ना होने के कारण, बच्चों को बहुत परेशानी उठाने की पड़ रही है, क्योंकि ये गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है। अगर खड़ंजा होता तो साइड से नाली में पानी भेजा था, और परेशानी है एक हैंडपंप है उसकी बगल में नाला है, उसमें पानी जमा हुआ है, उस पानी को हम पीते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं। वही इस गांव में पानी की भी किल्लत है। हालांकि होने को यहां पर दो हैंडपंप है, लेकिन दो हैंडपंप होने के बावजूद भी गंदा पानी पीने को मजबूर है यहाँ के ग्रामीण। उसका कारण है कि हैंडपंप के पास एक गंदा नाला बना हुआ है, जिसका पानी रिसकर हैंडपंप में जाता है, वही दूषित पानी बच्चे और बुजुर्ग पीकर बीमार पड़ रहे हैं। वहीं बच्चों में भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऐसा ही हाल यहाँ पर बिजली का भी है। बिजली विभाग वालों ने यहाँ डीपी लगाई है, बिजली भी दी है, लेकिन वोल्टेज कम ज्यादा होने से यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमेशा फूकने को रहते हैं। कई बार उपकरणों में कोई ना कोई खराबी भी आती जाती रहती है, जिससे काफी परेशान है ग्रामीण। ना जाने कब सुलझेगी इन ग्रामीणों की परेशानी। वहीं ग्रामीण भी इस ओर आस लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो उनकी सुनवाई भी होगी। धरनापदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। मधुसूदनगढ़ के बुडना गांव में रवि सिलावट नाम के युवक ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक पारिवारिक विवादों के चलते कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने वाला था। युवक को गंभीर हालत में मधुसूदनगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। हालांकि युवक की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टॉनी शाह की रिपोर्ट। रावगढ़ में रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में पंजीयन कैंप लगाया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया। वहीं यहां पंजीयन कैंप में कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इस भीषण गर्मी में दूर दराज से आए पंजीयन कराने के लिए युवक युवतियों को इस गर्मी में बैठने तक की सही से व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं पंखे और कूलर की व्यवस्था जो की गई थी वो भी नाकाफी थी। युवक युवतियां अपने हाथों से पंखा हिलाते नजर आ रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी, इसके कारण उनके पसीने छूट रहे थे। इसी के चलते यहां पानी की व्यवस्था भी ऐसी दूर करी गई थी कि युवक और युवतियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी पीने के लिए टैंकर का पानी था जो कि गर्म हो चुका था, मजबूरन लोगों को गर्म पानी ही पी के संतुष्टि करनी पड़ी। वहीं अधिकारियों के हाल अगर बताएं तो ऐसे थे कि अधिकारी अपने मोबाइलों में व्यस्त नजर आ रहे थे। ऐसी ही अव्यवस्थाएं देखने को मिली यहां लोगों को। अब हैरत की बात है कि जब इतना बड़ा मेला सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई सारा पैसा भी खर्च किया गया होगा, उसके बाद भी अव्यवस्थाएं चरम पर थी। रावगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव के साथ कमलेश सैनी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय धोबी महासंघ ने किया आर के श्रीवास का सम्मान। बता दें कि आर के श्रीवास न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विगत कई महीनों से न्याय के लिए मोर्चा खोले हुए हैं। उसी के संबंध में 17 मई से
उन्होंने एक न्यायिक यात्रा का प्रारंभ जबलपुर से दिल्ली के लिए किया। यही न्यायिक यात्रा आज गुना पहुंची। इस न्यायिक यात्रा में शहर के प्रवेश करने पर उनका स्वागत अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा किया गया। कोई वहां से है वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के सामने ही उन्होंने मीडिया वार्ता भी रखी। इसके साथ ही उनका 21 मई को राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम है। हमारी जो यात्रा है न्याय यात्रा के रूप में जानी जाती है। 17 तारीख से प्रारंभ की गई है और दिल्ली तक नीमच से दिल्ली तक जाएगी। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मनमानी की जा रही है, अनावश्यक रूप से अनियमितताएँ की जा रही हैं, अवैधताएँ की जा रही हैं और जो निरंकुशताएँ की जा रही हैं, जिसके कारण वर्तमान में जज प्रताड़ित हो रहे हैं और सत्य को दबाए जाने का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति संविधान के तहत सत्य बोलने का अधिकारी है तो उसकी आवाज़ को दबाने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को नहीं है और उस आवाज़ को सुनना चाहिए, किंतु कतिपय अधिकारी जानबूझकर वर्ग विशेष का विरोध करते हुए उनके विरुद्ध अनावश्यक रूप से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस कारण जो भ्रष्टाचार व्याप्त होते जा रहा है, अनियमितताएँ होती जा रही हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और मेरे द्वारा राष्ट्रपति महोदय को 12-13 समस्याओं के संबंध में ज्ञापन पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है और उन पर मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष रूप से एक निष्पक्ष जांच कमेटी गठित की जाए और उसकी जांच की जाए। कहां से कहां तक आपकी यात्रा है? नीमच से दिल्ली तक की यात्रा है। कितने दिनों की यात्रा है? लगभग 6 दिनों की। इसका एक कोई मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य यही है कि सबको समान रूप से न्याय मिले और सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया। मैथिल ओझा समाज ने आजीवन सदस्य एवं सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया। यह मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस मतदान में आजीवन सदस्य ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। को पता है आज का चुनाव हमारे ओझा मैथिल ओझा धर्मशाला ट्रस्ट जिला गुना का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम हम 21 ट्रस्टियों का चुनाव करने जा रहे हैं, जिसमें से साधारण सभा से 11 ट्रस्टी चुने जाएंगे और 10 ट्रस्टी आजीवन सदस्यों में से चुने जाएंगे। 21 ट्रस्टी मिलकर के बाकी के पदाधिकारियों का निर्वाचन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक मंत्री होगा, एक प्रचार मंत्री होगा और एक कोषाध्यक्ष होगा। इसमें से जो अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा वो आजीवन ट्रस्टी जो बनेंगे उसमें से ही प्रत्याशी होगा, बाकी पदों पर साधारण या आजीवन में से कोई भी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकते हैं। साधारण जो सदस्य बन चुके हैं वो अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं कि नहीं? साधारण जो सदस्य बन रहे हैं, जो ट्रस्टी बना रहे हैं 11, वो लोग अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा उस प्रक्रिया में भाग लेंगे। वो केवल मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनको अध्यक्ष के पद पर चुनने का या प्रत्याशी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए हमारे बायलॉज अनुसार। आपका नाम? मैं संतोष कुमार ओझा, NFL विजयपुर में कार्यरत हूँ और हमारी यूनियन का वहाँ पे मैं संगठन सचिव हूँ और यहाँ पे मुझे समाज ने निर्वाचन अधिकारी का दायित्व सौंपा है और पहली बार इस प्रक्रिया से बायलॉज का पालन करते हुए हम निर्वाचन कराने जा रहे हैं और समाज के लोगों का इसमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है
और 1 बजे तक का जो ट्रस्टियों के चुनाव का मतदान का समय है लगभग 40 मिनट इसमें बचे हैं। अभी तक कितना मतदान हो चुका है? अभी तक लगभग आजीवन में ज़्यादा चल रहा है, 83% लगभग आजीवन में हो चुका है और 63% साधारण सदस्यों का मतदान हो चुका है। और चुनाव क्या वोटिंग अभी सिंपल तरीके से चल रही है, कोई वाला टाइप का? अभी तक किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया, छोटी मोटी कोई बात आई तो उसको हमने उसको समस्या को सुलझाया और तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ गुना द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क आवासीय कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन श्रीमती अर्चना बल्लू चौहान एवं डॉक्टर अरुण रघुवंशी द्वारा किया गया। इस शिविर में 12 वर्ष से अधिक उम्र की 50 कन्याएं भाग ले रही हैं। गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख ट्रस्टी मोहन प्रसाद शर्मा ने सभी कन्या कौशल शिविर में पधारी कन्याओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। बता दें कि ये आवासीय शिविर निःशुल्क है और इसमें कन्याओं में कौशलता लाने एवं उनका मनोबल बढ़ाने एवं उनके अंदर छिपी बुरा और अच्छा पहचानने की शक्ति को विकसित करना है। इस शिविर का समापन 21 मई को किया जाएगा। महिलाओं को कमजोर समझना ये हमारे समाज की आदत बन गई है। हम महिलाओं का दर्जा पहले से ही बहुत बराबर था और अभी हम बीच में भूल गए थे, मगर अब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारी जो सरकार है वो भी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर महिलाओं को पुरुष की बराबरी पर लाना चाहती है। और हमारे जो तीर्थ स्थान, अब तो हर जगह महिलाओं और बेटियों को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि पुराने युगों में जब महिलाओं की पूजा होती थी, महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता था। जैसे आज कन्या कुशल शिविर गायत्री परिवार द्वारा गायत्री शक्तिपीठ पर 3 दिवसीय कन्या कुशल का आज शुभारम्भ श्रीमती अर्चना चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष के महोदय के समक्ष हुआ और आज यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ होगा, जो 21 तारीख तक यह कन्या शिविर चलेगा, जिसमें गायत्री परिवार द्वारा आवासीय कन्या शिविर गुना का यह प्रथम शिविर है। इसमें बच्चों को रहने की, खाने की और उनको प्रतिदिन दैनिक क्रियाएँ और दैनिक उनके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पर यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सब्जेक्टों के माध्यम से, विभिन्न डॉक्टरों के माध्यम से एवं योगाचार्य एवं कराटे और लाठी जो भी प्रशिक्षण के हैं उनके माध्यम से हम इनको एक लड़कियों को सभी को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और गायत्री परिवार ने गुना जिले में यह प्रथम शिविर आज आयोजित किया है और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। म्याना में रेलवे अंडरब्रिज में फंसा हार्वेस्टर। म्याना अंडरब्रिज में पुलिया का माप छोटा होने के चलते इसमें एक हार्वेस्टर फंस गया। हालांकि कुछ दिन पहले भी यहां एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक फंस गया था। बताया जा रहा है कि इस हार्वेस्टर को पुलिसकर्मी थाने ले जा रहे थे, इसी के चलते ये हार्वेस्टर पुलिया में फंस गया। हालांकि हार्वेस्टर के ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए उसकी टायर की हवा निकाल, जिसके चलते हार्वेस्टर वहां से निकल सका। म्याना के रेलवे अंडरब्रिज की कहानी रोज की ऐसी है, इसमें आए दिन कोई ना कोई ट्रक या वाहन फंसता ही नजर आता है, जिसके चलते काफी लंबा जाम लग जाता है। म्याना से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। बीजियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।